तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक में अब यहाँ पे जो है आपको 11 रुपये तक यहाँ पे कमीशन मिलता है AEPS और माइक्रो ATM दोनों जगह। तो जानेंगे पूरे डिटेल में कहाँ पे क्या कैसे कुछ मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारा कमीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक आईडी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी का कॉस्ट पड़ता है 2000 रुपया, लेकिन अभी ये ऑफर में आपको मिलेगा मात्र 600 रुपये में। और 600 रुपये जो है, पहले आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना है, पहले आपको आईडी मिलेगा, पेमेंट आपको बाद में करना है, ठीक है। अगर आप लोग फिनो पेमेंट्स बैंक का यहाँ पे रिटेलर आईडी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिया गया नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक हैप्पी होली, ये ऑफर जो है होली के अवसर पर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे आपको कमीशन क्या मिलेगा, अर्न मोर कमीशन अप टू 11 रुपया। अब यहाँ पे आपको मिलता है 11 रुपये तक कमीशन, किस पे मिलता है, माइक्रो ATM, MATM एंड AEPS विड्रॉल पे। MATM से जितना भी विड्रॉल करेंगे, AEPS जितना भी विड्रॉल करेंगे, उस पे आपको मिलता है 11 रुपये तक कमीशन। ये ऑफर मार्च 2022 तक यहाँ पे है, ठीक है। हर महीने यहाँ पे ऑफर्स लॉन्च किए जाते हैं फिनो पे, और काफ़ी अच्छे ऑफर्स यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। इतना बढ़िया ऑफर आपको कहीं दूसरे जगह दूसरे पोर्टल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कमीशन। तो यहाँ पे MATM कमीशन, यहाँ पे MATM एंड AEPS लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन स्लैब, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्लैब हो गया, ये ऑक्शन 1 ऑक्शन 2, ये पहले का कमीशन यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ पे धन धनाधन स्कीम एवरेज पे आउट यहाँ पे में 1 रुपये एड हुआ है, ठीक है। और जो फाइनल कमीशन है, ऑक्शन 1 इधर दिख रहा है, ऑक्शन 2 इधर दिख रहा है, ठीक है। ये ऑफर में यहाँ पे आपको कमीशन फिलहाल यहाँ पे दिया जा रहा है, हर एक महीने यहाँ पे इसी प्रकार से कमीशन यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। तो ये इस महीना के लिए यहाँ पे कमीशन यहाँ पे है कि 11 रुपये तक आपको कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा काफी अच्छा यहाँ पे स्लैब है, 100 रुपये से लेकर 999 के बीच यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ऑक्शन 1 और ऑक्शन 2 दोनों में यहाँ पे 2 रुपये का कमीशन मिलेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इंडिया में ऐसा कौन सा पोर्टल है जहाँ पे 100 रुपये की निकासी करने पर 2 रुपये का कमीशन मिलता है? ऐसा जो भी पोर्टल होगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में जरूर उस कंपनी का नाम लिखिएगा, हम लोग जानना चाहेंगे कौन सा पोर्टल है, ठीक है। फिलहाल मेरे दिखला में तो नहीं है ऐसा कुछ पोर्टल, केवल फिनो पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें 1000 रुपये से लेकर 1499 के बीच अगर आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों जगह आपको 3 रुपये का कमीशन मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे 1500 से लेकर 1999 के बीच ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों जगह आपको यहाँ पे 4 रुपये और इधर भी 4 रुपये का कमीशन मिलता है। तो दोनों जगह यहाँ पे बराबर रखा गया है। और उसके बाद 2000 से लेकर 2499 के बीच अगर आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में 5 रुपये, ऑप्शन 2 में भी 5 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 2500 से लेकर 2999 के बीच ट्रांजेक्शन करेंगे तो 6 रुपये का कमीशन दोनों कमीशन प्लान में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 3000 से लेकर 3999 के बीच ट्रांजेक्शन करेंगे तो दोनों जगह आपको 8-8 रुपये का कमीशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, अगर आप लोग यहाँ पे 4000 से लेकर 4999 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में मिलता है 8 रुपये का कमीशन और ऑप्शन 2 में यहाँ पे मिलता है 11 रुपये का कमीशन। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंसेज यहाँ पे 3 रुपये का यहाँ पे डिफरेंसेज हो जाता है। तो इस स्लैब में ऑप्शन 2 में 11 रुपये का कमीशन मिलता है, जो कि काफी अच्छा कमीशन यहाँ पे है। और अगर आप लोग हम देखें इसके अगले वाले सेक्शन में 5000 से लेकर 6999 रुपये के बीच अगर आप ट्रांजेक्शन होता है तो ऑप्शन 1 में मिलता है 8 रुपये का कमीशन और ऑप्शन 2 में भी 8 रुपये का कमीशन, इसमें बराबर रखा गया है। उसके बाद 7000 से लेकर 9499 के बीच अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 10 रुपये का कमीशन और ऑप्शन 2 में भी मिलता है 10 रुपये का कमीशन, बिल्कुल बराबर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी एक आता है ट्विस्ट, अगर आप लोग यहाँ पे 9500 से लेकर 10000 के बीच निकासी करते हैं तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है, ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको 8 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने कमीशन डिटेल में बताया, और यहाँ पे अब आपको कमीशन क्या रखना है ये आपको खुद डिसाइड करना है आपके एरिया के अनुसार। हो सकता है आपके एरिया में इस स्लैब में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता होगा, अगर इस स्लैब में ज्यादा होता तो उसके अनुसार आप रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी आप जो भी पोर्टल अभी यूज कर रहे हैं इस कमीशन से कंपेयर कर लीजिए, फिनो के कमीशन से कंपेयर कर लीजिए, इससे 100% कम कमीशन दे रहा होगा। अगर आपका पोर्टल ज्यादा कमीशन दे रहा है तो
तो डिस्क्रिप्शन में उस पोर्टल का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं भी जानू कि कौन सा वो पोर्टल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलग से इंटेंसिव भी है, अगर इंटेंसिव क्या है मैं यहाँ पे छोटा सर में लिखा हुआ, मैं डिटेल में समझा देता हूँ यहाँ पे। तो इंटेंसिव यहाँ पे दोस्तों ये मिलेगा, इंटेंसिव यहाँ पे ये है फिनो धन धना धन ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ऑफर पीरियड मार्च मंथ के लिए है। अगर आप लोग माइक्रो एटीएम प्लस एईपीएस से जितना भी निकासी कीजिएगा, ठीक है, अगर आपका कैश विड्रॉल पहला 3 लाख अगर आप ट्रांजेक्शन हिट करते हैं, मंथ का पहला 3 लाख ट्रांजेक्शन हिट करते हैं, तो आपको मिलता है 100 रुपये का कमीशन, ठीक है। एक्स्ट्रा ये मिलेगा, एक्स्ट्रा जो कमीशन मिलता है तो मिल ही जाएगा। ये इंटेंसिव हो गया, ये ऑफर पिछले महीने फरवरी में भी था और उसके अगले महीने जनवरी में भी था, ठीक है, तो पहले भी था। तो इस प्रकार से ऑफर्स यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे आते रहते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों का जो ट्रांजेक्शन होता है 3 लाख से ऊपर का मतलब जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जितना भी 3 लाख का फिर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा उसमें 25 रुपए ऐड होते जाएगा एज इंटेंसिव, इंटेंसिव के तौर पे, ठीक है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन 10 लाख, 20 लाख, 45 लाख, 50 लाख इस प्रकार से ट्रांजेक्शन मंथ का होता है, तो आपके लिए फिनो का आईडी बेस्ट है। और वैसे भी अगर आपका ट्रांजेक्शन 20-30 हजार का महीना भी होता है तो भी फिनो का आईडी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन पे भी काफी अच्छा यहाँ पे कमीशन देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन मैं दिखा देता हूँ, जो कंडीशन है कमीशन चेंज करने का, तो कई लोग यहाँ पे मैसेज भेजते हैं कमीशन उनका चेंज नहीं होता है, तो वो लोग गलती करते हैं, टर्म एंड कंडीशन उनको नहीं पता है, मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये यह है कि अगर आप लोग कमीशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, SMS भेजना पड़ता है, ठीक है। इस नंबर पे आपको SMS भेजेंगे, कमीशन 1 के लिए MA1 भेजेंगे और कमीशन 2 के लिए MA2 भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच रिक्वेस्ट भेजिएगा, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2022 के बीच भेजिएगा, तो ये आपका 15 मार्च से मतलब मार्च से लागू हो जाएगा, सॉरी अप्रैल बोल दिया, मार्च यहाँ पे लिखा है, 1 से 14 के बीच अगर आप मैसेज भेजते हैं तो 15 तारीख से वो कमीशन आपके पोर्टल में सेट हो जाएगा, उसके अनुसार कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 से 31 के बीच भेजे हैं तो जो कमीशन है, जो प्लान आपने सिलेक्ट किया है, वो आपको नेक्स्ट महीना के 1 अप्रैल से मतलब नेक्स्ट महीना के 1 तारीख से वो लागू हो जाता है। तो यहाँ पे इंस्टेंट आप कमीशन चेंज नहीं कर सकते, कमीशन चेंज रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे हमने कमीशन आपको एक्सप्लेन कर दिया और इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये हैप्पी होली है दोस्तों। हैप्पी होली पे हम लोग भी ऑफर दे रहे हैं, जैसे कि हमने बताया फिनो गाड़ी मात्र 600 रुपए में, वो भी पहले आपको 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपको बाद में करना है, आराम से पेमेंट करना है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है प्रत्येक मिनी स्टेटमेंट निकासी पे ट्रांजेक्शन पे आपको 1 रुपए का कमीशन। इस वीडियो को खत्म करते हैं, यहीं पे मिलेंगे अगले वीडियो में और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को में हमने जाना AEPS और माइक्रो एटीएम कमीशन, दो कमीशन इसमें फोकस किया। इसके अलावा और जो कमीशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो को भी सवाल है उस कमेंट कीजिएगा, और जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके एंड बाय।